सो गाइस, आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे ये वीडियो मैं बनाना चाहती नहीं थी, बट किसी ना किसी हद तक ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे खुद को बहुत दुख भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। जो मैंने मेरे इमोशनल होने वाली वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे बैड कमेंट्स भी आए हुए थे। कुछ लोग थे जो समझ रहे थे भावनाओं को, जो मेरे इमोशंस को समझ रहे थे, जो हमें पहले से जानते हैं ना, उन लोगों को पता है कि क्या फेक होता है और क्या रियल होता है, और कौन किसको कितना जानता है, कौन किसको कितना समझता है, ठीक है। और जिन्होंने भी बैड कमेंट किए हैं, वो ये वीडियो पूरी सुनना, क्योंकि उन्हीं को जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो लोगों ने, एक हिमाचली गर्ल नाम से कोई है, उसने तो, वो तो मतलब अलग ही लेवल पे जाके, ये खुश नहीं है अपनी बहन की न्यू लाइफ से, ये खुश नहीं है, ये उसका घर बसने नहीं देना चाहती, ये बहन होती, सगी बहन होती तो ऐसा नहीं करती। हाँ जी, मैं तो सौतेली बहन हूँ, मुझे बाहर से उठा के लाए थे या उसे बाहर से उठा के लाए थे, ये बताओ। आपको ज़्यादा पता है ना, मैं सगी बहन नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। कभी तो आप लोग कह देते हो कि हाँ, आप लोग ज़बरदस्ती कंचन की शादी मत करवाओ, कभी तो आपको लगता है कि हमने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी है, कभी आप लोग कह देते हो कि ये खुश नहीं देखना चाहते, ये उसका घर बसने नहीं देना चाहते। तो अब बता दो, हमने ज़बरदस्ती शादी करवाई है या घर बसने नहीं देना चाहते? ये उसको पता है और हमें पता है कि कौन किसका घर बसने देना चाहता है या नहीं देना चाहता। और वो मेरी बहन है, कैसी घटिया बातें करते हो, आपके घर नहीं बसने देना चाहते, उसका घर नहीं बसेगा तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें, बताओ ज़रा। अब वो मेरी माँ के घर में बैठी रहेगी सारी उम्र, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, बताना ज़रा। उसके, मेरी माँ के घर में बैठने से मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैं तो अपने घर में हूँ, या मुझे उसकी इनकम का कोई वो नहीं है कि वो मेरे घर में बैठ के मुझे कमा के खिला रही है। मतलब शर्म ही नहीं आती आप लोगों को। और दूसरी बात, अपनी बहन के नाम से व्यूज़ ले रही है और इसका खुद का कंटेंट नहीं है। बहुत भी ये 3-4 कमेंट आए हुए थे, कुछ तो ये हिमाचली गर्ल नाम से थी, कुछ एक प्रवीण चावला, ये दोनों को तो इतने कीड़े लड़ रहे हैं ना, इतने कीड़े लड़ रहे हैं, मतलब कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हो तुम लोग, इतनी घटियापन के भी हद पार करके कमेंट कर रखे हैं कि एक सेकेंड क्या था, हाँ, अपनी बहन के नाम से व्यूज़ ले रही है, इसका खुद का कोई कंटेंट नहीं है। तो मेरा चैनल पहले उठा के देखो, लेटेस्ट ये जो शादी में गई हूँ, ये 4 वीडियोस के अलावा कोई पिछली वीडियोस में कंचन का नाम इस तरह से नहीं लिया गया, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि उस टाइम उसी का फंक्शन था, उसी को हम उसके बारे में ही बोलेंगे ना, जो बोलेंगे या उसके बारे में ही वीडियो बनेगी ना, क्योंकि उसका फंक्शन था ये। और आपको किसने ये हक दे दिया मुझे बोलने के लिए कि हाँ, मैं कंचन का नाम नहीं यूज़ कर सकती, मैं अपनी बहन के फंक्शन की वीडियो नहीं बना सकती, आपको किसने ये हक दे दिया बोलने का? मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा भाई है वहाँ पे, मेरा भांजा है, बताओ मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊँगी? मेरा घर परिवार है, वो सिर्फ कंचन का परिवार है, मेरा परिवार नहीं है। अलग ही लेवल पर जाके बोलते हो, कंचन के नाम पर व्यूज़ लेती है। सो मेरी वीडियो बीच में ही रह गई थी, क्योंकि पापा आ गए थे, फिर पापा को चाय पानी देने लग गए, और फिर उनके सामने मैं वैसे भी ये सब बोल के वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल बिल्कुल ही अलग है। हमारे घर में ये नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के बोल दो, कुछ भी किसी को भी बोल दो, लड़ाई झगड़ा कर लो, ये वो। पढ़े लिखे लोगों का घर है, जो भी बोला जाता है सोच समझ के बोला जाता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के बोल दो, कैमरा ऑन किया, चलो किसी की भी बुराई कर दो, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो, तो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था उस टाइम। तो अभी मैं दोबारा जवाब देती हूँ। एक जागृति नाम से कमेंट आया था कि अपनेपन का ड्रामा अभी क्यों कर रहे हो, उसके जख्म कुरेद रहे हो। आपको ज़्यादा पता है कि उसके जख्म कुरेदे जा रहे हैं? वो मेरी बहन है, आप लोग बाद में आते हो, मैं पहले आती हूँ उसके लिए, हम फैमिली हैं, आप सिर्फ व्यूअर्स हो, आपको सिर्फ जहाँ पे मसाला दिखता है आप वहाँ जाके वीडियोस देख लेते हो। क्यों, ये उन लोगों को कह रही हूँ जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट लिखे हैं, क्योंकि जो लोग वाकई में अपना समझते हैं ना, वो ये सब कमेंट नहीं लिखते। उनके लिए जितनी कंचन है उतनी मैं होनी चाहिए थी, जैसे वो उनके लिए, अगर कंचन की जिनको फिक्र है ना, उनको मेरी भी फिक्र होनी चाहिए थी। मुझे बोलने से पहले वो 2 बार सोचते कि उसी की बहन है, हम उसके बारे में ना बोलें, क्योंकि मैं उनकी भी बहन लगती है ना। पर ये वो लोग बोलते हैं जो सो कॉल्ड वो बनते हैं, अपनापन दिखाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, उनके लिए ये एक सीरियल चल रहा है, नया एपिसोड आ गया जी, चलो जी नया ड्रामा देख लेते हैं, नया ये देख लेते हैं, जहाँ से मसाला दिखता है फलाने की वीडियो देख लेते हैं। आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मसाला देखने में मज़ा आता है, और वो मसाला मैंने दिखाने वाली है आपको। सो प्लीज़,
जिन लोगों को मेरी वीडियोस, मेरे इमोशंस ड्रामा लगते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ मेरी वीडियो मत देखो, बिल्कुल मत देखो मेरी वीडियो। जिनको मेरे इमोशंस ड्रामा लगते, इतने बेगैरत लोग हो जो मेरे इमोशंस का मजाक बनाया जिन्होंने। और आप क्या कहना चाहते हो, अब क्यों रो रही है, जब वो रो रो के वीडियो बनाती थी तब तो कोई नहीं रोया, आपको ज़्यादा पता था, देखने आए थे मुझे कि तब मैं रोई थी या नहीं रोई थी उसके साथ। मैं अपने घर में बैठी थी, वो अपने घर में बैठी थी, उसके पास जाके 500 किलोमीटर दूर जाके उसके आंसू पूछने जाऊँ मैं? आपको पता है जब उसको ज़रूरत थी मैं उसके साथ खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? ये सारी बातों का जवाब सिर्फ मेरी बहन के पास है, और मैं नहीं उसको फोर्स कर रही कि वो आके बताए या ना बताए, वो अपनी नई लाइफ में बिजी है। मैं उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि हाँ मेरे जो हेटर्स हैं उनको जवाब दे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी किसी को भी। क्यों देगी वो जवाब, क्यों दे, क्यों क्लैरिटी दे, और मैं भी क्यों क्लैरिटी दूँ आप लोगों को? जाओ जरा नहीं पसंद वीडियो मत देखो। मैंने कहाँ कहा है कि हाँ ज़रूर देखो, आप ही को मसाला चाहिए, उधर से उठा के उधर आग लगा दी, उधर से उठा के उधर आग लगा दी, सिर्फ उंगलियाँ तो चलानी है आपको, टाइपिंग कर देते धुड़ 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 कुछ भी बोल के, आपका क्या जा रहा है, टाइपिंग करके वो गए, यहाँ यहाँ से भड़का दें हम, ये भड़क जाएगी, फिर ये उसके अगेंस्ट कुछ बोलेगी, फिर वो बोलेगी, आपको तो ये भी देखने में मज़ा आता है, ऐसा हो चुका है हमारे साथ। और ये यूट्यूब पे आज की नहीं हूँ मैं, जो आप लोग कहते हो ना उसका नाम यूज़ करके वीडियोस व्यूज़ ले रही है, नाम यूज़ करके, तो मैं नई नहीं हूँ यूट्यूब पे। 3 साल पहले मेरा चैनल था, और जब मेरे 30,000 सब्सक्राइबर थे ना, तब उसके 4,000 सब्सक्राइबर थे मेरी सिस्टर के, जब मेरे 30,000 थे। और आपने बोला ना कि वो उसने वीडियो शेयर की तब तो नहीं कुछ बोला, ये वो उसने तो वीडियो शेयर की हेल्प की है ना, तो बहन है, बहन ही बहन की हेल्प करेगी, जब उसे ज़रूरत थी मैंने उसकी हेल्प की थी। बट हाँ उस चीज़ को मैं प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया था, 2 चैनल डिलीट कर चुकी हूँ मैं अपने, 35,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल मैं खुद डिलीट कर चुकी हूँ। और जो आप लोग आके उठ के मुँह उठा के बोलते हैं ना जलन है उससे जलती है, मैं क्यों जलूँगी, मेरे पास किस चीज़ की कमी है आज जो मैं उससे जलूँगी? घर परिवार है मेरे पास, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, अच्छे माँ बाप जैसे सास ससुर हैं, मेरी फुल फ्लेज फैमिली है मेरे पास, मेरे खुद की माँ है, मेरा मायका परिवार है मेरे साथ, मुझे किस चीज़ की कमी है जो मुझसे जलूँगी, ज़रा ये बताइए ना। या मैं काली कलूटी हूँ, मेरी बहन ज़्यादा सुंदर है, मैं उससे जलती हूँ, या मैं अनपढ़ गवार हूँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं उससे जलती हूँ, या मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, वो बहुत ज़्यादा कमा रही है, जो मैं उससे जलती हूँ, किस चीज़ की कमी है जो मैं उससे जलूँगी? सोच के देखा है कभी? सोचने की तो आप में हो है ही नहीं अक्ल, जिन लोगों में सोचने की अक्ल होती है ना वो 2 बार सोच के फिर कमेंट करते हैं, ऐसे नहीं चलो जी वीडियो देखी थड़क दी उन्हें कमेंट कर दिया। और क्लिप डालने का क्या मतलब था, अब ये वीडियो डालने का क्या मतलब था मैं बताऊँ आपको? मेरे इमोशंस थे, मैं रो रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ, आपको क्या पता मैं क्या चीज़ देख के इमोशनल हो रही हूँ? सिर्फ इस वजह से मैंने वो क्लिप डाली कि ये क्लिप देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। और याद भी हमें अपनों की याद ना किसी खास मौके पे ही आती है, जो हमारे साथ नहीं है, जो भगवान के पास जा चुके हैं उनकी याद हमेशा खास मौके पे ही आती है, या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं या खुशी का मौका है, हमेशा तब याद आती है ना। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी छोटी बहन की शादी हुई, हम इतना ज़्यादा रोए, आपको नहीं पता कंचन भी बहुत ज़्यादा रोई थी जब मेरी छोटी बहन की शादी थी, सिर्फ मेरे पापा को याद करके, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा नहीं थे, ऐसे था कि हाँ बाप का साया सिर पे होता तो शादी बहुत अच्छे से होती, मेरी शादी भी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई थी, मेरी छोटी बहन की शादी भी बहुत छोटे लेवल पे की थी हमने, जैसे कंचन की शादी हुई थी वैसी उसकी शादी हुई थी, मेरी शादी उससे भी ज़्यादा सिंपल हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था मेरी शादी में, एक भी रस्म रिवाज कुछ नहीं हुए थे। तो खास मौक़ों पे याद आती है ना अपनों की, जो हमारे साथ नहीं है, जिनके साथ हमने एक सफ़र शुरू किया था, आज वो सफ़र एक मंजिल तक पहुंचा है, तो उन लोगों की याद सबसे ज़्यादा आती है। और आपको क्या लगता है वो भूल चुकी है, अपने हस्बैंड को भूल चुकी है, या अपनी दादी को भूल चुकी है, या दादी सिर्फ उसकी थी, उसका ही हक है याद करने का, हमारा कोई हक नहीं है मेरी दादी को याद करने का? मेरी छोटी बहन वीडियो नहीं बनाती, भाई वीडियो नहीं बनाता, मतलब उनकी दादी नहीं है, उनके इमोशंस नहीं है, उनको याद नहीं आती है? मैं अब वीडियो बनाने लगी हूँ, तो अब की वीडियो में अगर मैंने अब वीडियो बनाने लगी हूँ, अब मैंने इमोशंस दिखा दिए, तो भाई अब मुझे याद आने लगी है, मुझे पहले कभी याद नहीं आई उनकी। मेरा पिछला चैनल था, मैं इतना रो रो के मैंने उस पर वीडियोस बनाई है, मेरे इमोशंस इतने, क्योंकि उस टाइम वो चोट बिल्कुल ताज़ा थी, पिछले साल मेरा चैनल था, 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, बट वो भी मैंने डिलीट कर दिया था किसी रीज़न से, वो कंचन को पता है वो रीज़न, मुझे पता है वो रीज़न, एक इशू हो गया था उस वजह से वो डिलीट कर दिया था चैनल। हर बार मैंने कंचन को सपोर्ट किया है, हर बार, ये बात वो अच्छे से जानती है कि किन किन मौक़ों पे मैंने उसको सपोर्ट किया है। मैं हर चीज़ बोल के नहीं बता सकती हूँ वीडियो में,
हर चीज़ का एक टाइम होता है, अगर टाइम आया, सही टाइम आया तो शायद मैं बता भी दूंगी कि मैंने किसके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। बट ये जो इतने घटिया लोग हैं ना, जिनको किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं है, किसी के मेरे इमोशंस की कैसे बेअदबी की है, इतने बेगैरत लोग हैं, मतलब क्या बताऊँ। और आप कहते हो ना उसकी फैमिली में डिस्प्यूट होंगे, उसकी फैमिली वाले से ससुराल वाले क्या समझेंगे। आपको पता है या मुझे पता है उसकी फैमिली में कौन वीडियो क्या देखता है क्या नहीं? मेरी वीडियो देखेंगे पहले, वो उसकी वीडियोस देखेंगे, उसने जो सारी पुरानी वीडियोस डाल रखी है, जीजू की हर दिन नई वीडियो दिखती है हमें, 2 साल पहले की, 1 साल पहले की, हर दिन एवरीडे जब भी यूट्यूब खोलते हैं उसकी पुरानी वीडियो सामने आती है, जीजू का थंबनेल लगा हुआ। पहले नहीं शो होती थी बार बार, नहीं बार बार वो चीज़ हमें पिंच करती थी, अभी वो डेली हमें शो होती है, डेली हमारा मन उदास होता है। मैं क्या, मेरी मदर इन लॉ का खुद का मन बेचारा उनका इतना उदास होता है, मैं तो फिर भी सोचो बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। आपको नहीं पता मेरी वो वीडियोस ऑलरेडी, मेरा चैनल डिलीट हो चुका है, जिसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, किससे क्या कैसा रिश्ता था, कैसा कितनी अटैचमेंट थी, और मैं हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जिसको वीडियो देखनी है देखो, जिसको हमारे इमोशन से फ़र्क पड़ता है वो वीडियो देखो, जिसको नहीं फ़र्क पड़ता बिल्कुल वीडियो मत देखो। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि हाँ ज़बरदस्ती मेरी वीडियो देखो। जिसको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट है, हमें हमें इंटरेस्ट है, हमारी लाइफ रियल लगती है ना जिसको, वो देखो। ड्रामा क्रिएट करना मुझे नहीं आता, मैं ड्रामा क्रिएट करने वाली, मेरे चैनल पे आपको कोई ड्रामा नहीं देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो लोग अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही देखें। मेरा स्ट्रगल मुझे पता है, आज मेरे पास सब कुछ है, ये हाथ में नहीं रखा हुआ मिला था मुझे सब कुछ। और आपको क्या पता कि मैं शुरू से ही, मेरी लाइफ अच्छी रही है, जब तक मैं अनमेरिड थी मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हर चीज़ मुझे खुद कमानी पड़ी है। कंचन जो चीज़ आज फेस कर रही है ना, आज वो खुद के लिए कमा रही है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें सारी निकल आ चुकी हूँ। हाँ मेरी शादी अच्छे घर में हो गई है, जहाँ मुझे अभी उतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ इसको तो सजा सजाया मिला है, इसको क्या ज़रूरत है। तो बस यही कहूँगी कि हेटर्स को ये जवाब देना था कि कुछ भी कहते रहो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ बोलते रहो।